अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मंगलवार को करनाल में शिरकत की। आपको बता दें कि वह आज यहां मॉडल टाउन स्थित त्रिलोचन सिंह के निवास पर उनकी माता के निधन उपरांत शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंची थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि माता जी 108 वर्ष पूरा कर स्वर्ग सिधार गई, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की बात सुनना ही नहीं चाहती, हल करने की तो बात दूर की है। कुमारी शैलजा ने कहा कि इतनी ठंड के अंदर किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, परंतु सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है और वह किसानों के साथ है। कांग्रेस का किसान आंदोलन को पूरा समर्थन है ताकि केंद्र सरकार किसानों के विरोध में लाए गए काले कानूनों को वापस करे। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा के मंत्री अनिल विज के स्वस्थ होने की भी कामना की। कुमारी शैलजा ने SYL के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि इस वक्त किसानों के तीन मुद्दे हल करने चाहिए, क्योंकि SYL पर कांग्रेस का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है और मुख्यमंत्री एवं भाजपा के लोग इस मुद्दे पर किसानों के मुद्दे को बांटना चाहते हैं ताकि इस मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी व सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ आए हैं उनकी माता जी 108 में हमें छोड़कर चली गई। बहुत लंबा जीवन, एक अच्छा जीवन दिया, बच्चों ने बहुत सेवा की और हम यही कामना करते हैं कि आगे आने वाले समय में भी उनका आशीर्वाद हो, जहाँ भी हो उनका आशीर्वाद पूरे परिवार। मैम, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, हादसे में मौत हो रही है, ठंड से मौत हो रही है और बीमारी से भी मौत हो रही है, लेकिन सरकार है कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो किस तरीके से इस पूरे किसान आंदोलन लगता है कि सरकार सुनने के मूड में ही नहीं है और ये चाहते हैं कि किसानों को, देश को इसी तरह से बरगलाते रहें, कभी कोई बहाना देते रहें, कभी कोई बहाना देते हैं, कभी कहते हैं कि अब किसान फैसला करें डेट का। बार बार जब आप बुला रहे हैं, बात तारीख की नहीं, बात यह है कि आप क्या हल चाहते हैं। ये सरकार हल निकालने की बजाय लोगों को इधर उधर भटका रही है। हमारे किसान इतनी ठंड में वहाँ पर बैठे हैं, डटे बैठे हैं। मेहनत का कश किसान, हमारा अन्नदाता, आज सड़क पर बैठने को मजबूर हो गया है। जिसको अपने खेतों खलिहानों में जाना चाहिए, वहाँ पर देश का पेट भरने के लिए उसका बिजाई का समय निकल रहा। अब क्या समझते हैं कि लोगों को इस तरह से बरगला कर, किसानों को इस तरह से बरगला कर हल नहीं निकल सकता। हल तभी निकलेगा जब आप हल निकालना चाहेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी तीनों काले कानून वापस लेने को। विधानसभा के फ्लोर पर अपना क्या अगला कदम होगा? विधानसभा का जब सेशन आएगा, अभी जो मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है कि शायद ये अभी आगे करेंगे सेशन, उस समय हमारी पूरी रणनीति रहेगी। कांग्रेस पार्टी का पहले भी फैसला रहा इन काले कानूनों का विरोध करना, चाहे सड़क पर हो चाहे सदन में हो, हम इनके खिलाफ हैं और हम उसी तरह से अपनी रणनीति बनाकर इस सरकार को जवाबदेह करेंगे और आने वाले समय में ये सरकार जाना चाहिए। क्या नो मोशन प्रस्ताव लाएंगे उस समय हम आपको? मैम, लगातार जो विधायक हैं और सांसद हैं, कल नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की, आज शेखावत जी जो जल संसाधन मंत्री हैं उनसे मुलाकात की SYL के मुद्दे पर, तो आपको लगता है अब SYL का मुद्दा भी गरमा रहा है? SYL का मुद्दा हमेशा से था और आपको याद दिलाना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये वायदा किया था कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी से समय लेंगे और ऑल पार्टी डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी के पास लेकर जाएंगे। वो हुआ नहीं। आज के दिन जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो किसानों का है, उन्हें बांटने की कोशिश ना की जाए। SYL की जहां तक बात है उस पर हमारा स्टैंड क्लियर है, लेकिन आज तीन काले कानूनों को वापस लें और तभी बात आगे बढ़े। मैं कामना करती हूँ कि अनिल विज जी जल्दी से ठीक हों और अपना अपनी जिम्मेवारी संभाल लें, अपना अपने कार्य में आए, हम पूरी पूरी कामना करें। शैलजा जी, आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि जो ये आंदोलन चल रहा है उसमें कांग्रेस का हाथ है। जैसे कंधा
मिलाकर आ गए हैं। हमने ये मुद्दा हमारे नेता ने, मैंने पहले भी कई बार कहा है, राहुल गांधी जी ने पहले दिन से इनका विरोध किया है, क्योंकि ये कानून काले कानून है। और किसान का जहां तक संघर्ष है, किसान अपना संघर्ष कर रहा है और कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे पर किसानों के मजदूरों के साथ। हरियाणा सरकार कार्यकारिणी कब तक गठित हो जाएगी, ये जिला स्तर तक अब ये समय आएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.